खबरों का रुख कर लेंगे तो मध्य प्रदेश में सरकार सागर में संत रविदास मंदिर बनाने जा रही है। पीएम मोदी शनिवार को संत रविदास मंदिर के आधारशिला रखेंगे। मंदिर बनाने को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसा है। अनुसूचित जनजाति के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने कहा कि आगामी चुनाव के चलते बीजेपी 65 लाख की आबादी को साधने के लिए कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने चुनाव से पहले कई सालों तक कोई काम नहीं करा और अब वोट मांगने के लिए एक्शन मोड में आ गई है। सरकार इस बार पूरे सर्वे बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विदाई तय है। एक बहुत बड़ा वर्ग अनुसूचित जाति वर्ग का इस प्रदेश में है। लगभग 65 लाख की आबादी अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की है। शिवराज सिंह चौहान जी और मोदी जी और पूरी भाजपा इस वर्ग के वोट को रिझाने में लगी है। रविदास जी के मंदिर के नाम से 100 करोड़ का मंदिर रविदास जी के नाम से बनाया जा रहा है। रविदास जी का मंदिर बने इसका कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि कांग्रेस पार्टी ये सवाल खड़ा कर रही है कि आज चुनाव आ गए, 3 महीने चुनाव के रह गए हैं, आज ही रविदास जी का मंदिर भारतीय जनता पार्टी घोषणा करती है, कल मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी उसका भूमि पूजन कर रहे हैं। लेकिन मैं मोदी जी और शिवराज जी से पूछना चाहता हूँ कि जो माहौल प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए पिछले 20 साल से बना हुआ है।